तो आपने सुनी होगी, एक तो चोरी उस पर सीना जोरी, इस कहावत का चरितार्थ करता मामला आगरा में सामने आया है, जहां एक युवती ने पहले तो मोदी सरकार की योजनाओं का नाम लेकर पॉलिसी बेची और जब एक शख्स की शिकायत पर पुलिस युवती को पकड़ने पहुंची तो वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों चलता रहा। तो पुलिस ने महिला को होटल में हिरासत में लिया। पुलिस जब महिला को थाने ले जाने लगी तो महिला ने थाने जाने से इनकार कर दिया। पुलिस के पास भी कोई दूसरा चारा नहीं बचा और महिला पुलिस को इस युवती को घसीटते हुए ले जाना पड़ा पुलिस को। और दरअसल पुरानी मंडी में ताज भोजनालय में एक बीमा कंपनी की तरफ से सेमिनार आयोजित किया गया था। कंपनी के नाम पर 3 महिलाएं 13,000 से 1,00,000 तक सालाना बीमा करवाने की बात कह रही थी। अपनी लुभावनी योजनाओं में वो मुफ्त शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए ऋण और मनी बैंक का ऑफर दे रही थी। अपनी योजनाओं में इतना प्रॉफिट देने पर सवाल ऑनर पर होने पर महिलाओं को केंद्र की मोदी सरकार की योजना उसे बता रही थी। और जब कंपनी के बारे में पता किया गया और जानकारी मांगी गई तो महिला ने कंपनी की जानकारी देने से इनकार कर दिया। तुरंत मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस को वहां पर बुलाया गया और जब पुलिस महिला को थाने ले जाने लगी तो उसने जाने से इनकार कर दिया। हालांकि बिना परमिशन सेमिनार के लिए महिला ने माफ़ी मांगी। पुलिस जांच में शुरुआत में कंपनी तो असली पाई गई पर केंद्र सरकार से उसका कोई रिश्ता नहीं मिला। फिलहाल पुलिस ने उसे हिदायत देकर छोड़ दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर कंपनी लोगों से रुपए ऐंठकर फरार हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता।